चलें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अगेन एक दफ़ा दोबारा से अस्सलाम वालेकुम सबको। कैनवा के बारे में जो है वो आज हम लोग जो है वो सीखेंगे, कैनवा किस तरह से काम करता है और हमने आगे फर्दर इसका बेनिफिट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो किस तरीके से जो है वो उठाना है। ठीक है, इसमें कल मैंने कुछ चीज़ें आपसे को बताई थी। ये लेफ़्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस जो है वो आ रही होती हैं, प्लस के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही होती हैं। होम पेज के ऊपर आएंगे तो होम पेज के ऊपर ओवरऑल ओवरव्यू जो है वो आप लोगों के पास ये सारा अपीयर जो है वो हो रहा होगा। ठीक है, ये जितनी डिज़ाइंस वगैरह जो है वो प्रीवियसली मैंने बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। ऑल योर डिज़ाइंस इसके ऊपर आएंगे तो अगेन जितने डिज़ाइंस मैंने प्रीवियसली बनाए हुए हैं वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। रिसेंट डिज़ाइंस जो रिसेंटली जो है वो आप लोगों ने बनाए हैं, शेयर्ड विद यू। ठीक है, डिज़ाइंस बनाने के बाद हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ लाइक ऑप्शन हैं जो कि मेरी टीम ने डिज़ाइंस वगैरह बना के मेरे साथ शेयर किए हुए थे, ये आ रहे हैं। ठीक है, ऑल योर फोल्डर्स, डिफरेंट फोल्डर्स वगैरह आप लोग जो है बना सकते हैं। ठीक है, लाइक ऐड डिज़ाइन का फोल्डर बनाया हुआ मैंने, कोटेशन का फोल्डर, तो इनमें हम लोग चीज़ें सेव कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैश, जो भी आप लोगों ने डिलीट वगैरह की होंगी चीज़ें वो सारी ट्रैश के अंदर आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने अपनी टीम बनाई हुई है, आप लोग भी अपनी टीम जो है वो बना सकते हैं और आपस में डिज़ाइन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि अगेन आप लोगों का जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो बनता चला जाए। ठीक है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ टीम बनाए, एक दूसरे के साथ डिज़ाइन भी शेयर कर सकते हैं। ब्रांड इनवाइट मेंबर्स, अगेन टीम के अंदर लोगों को ऐड करने के लिए आप लोग इनवाइट मेंबर्स ईमेल के ज़रिए उनको इनवाइट कर सकते हैं। ब्रांड किट, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये पेड में आते हैं, अपने लोगो सेट कर सकते हैं, अपने कलर्स जो है वो अप टू थ्री जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, हेडलाइन कौन सी रखना चाहते हैं, कौन सा स्टाइल, कोई फॉन्ट अपलोड जो है वो करना चाहते हैं। ठीक है, सारा हेडिंग, सब हेडिंग और जो बॉडी स्टाइल होगा वो रख सकते हैं। कंटेंट प्लानर के अंदर जो है वो आपके पास अगेन कैलेंडर वगैरह आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना मुकम्मल जो है वो प्लान बना सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, जिस तरह न्यू ईयर इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर डे, और ये आपको इवेंट्स बताता रहता है वर्ल्ड वाइड, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो अपना कंटेंट स्केड्यूल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह यहाँ ऊपर होम बटन जो है वो आ रहा है आप लोगों के पास। ठीक है, उसके बाद जो है वो टेम्पलेट्स में आए, तो ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में क्या है जी, सोशल मीडिया स्टोरीज़ आ गया, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, कवर्स, ये सारे पर्सनल में मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। इसके अलावा प्रेजेंटेशंस आ गए, मार्केटिंग से रेलिवेंट चीज़ें, एजुकेशन, ट्रेंडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी आपको डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पे टेम्पलेट्स पे आएँ। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल टी शर्ट डिज़ाइन चाहिए, उस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करें तो वहाँ पर आपको वो सारे डिज़ाइंस जो है वो मिल जाएंगे। तो ये देखें, लाइक मग डिज़ाइन, टी शर्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये शर्ट डिज़ाइन आ गए जो कि आप लोग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह टेम्पलेट में आऊँ, इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम के डिज़ाइन जो है वो आप लोगों के पास आ जाएंगे, बने बनाए डिज़ाइन। इनके अंदर आप लोग चेंजेस वगैरह करके इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया था, जिसके साथ ये डॉलर साइन आएगा वो पेड है, पैसे दे के आपको ख़रीदना पड़ेगा। क्राउन, ये बेसिकली प्रो वर्जन, जिन लोगों के पास एक्सेस होगी सिर्फ वही उसको कर सकते हैं, आप लोगों ने ये फ्री वाले जो है वो यूज़ करने हैं। तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ फ़िल्टर्स आ रहे हैं, इन फ़िल्टर्स के ऊपर आप लोग सिंपली फ्री वाला फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। इसी तरह कलर स्कीम की बेस के ऊपर भी आप लोग फ़िल्टर लगा के मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह रेज्यूमेस, इनको भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो। मुख्तलिफ रेज्यूमे स्टाइल्स जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट करके उसमें सारी अपनी चीज़ें ऐड करते हैं तो आप बहुत अच्छे एक रेज्यूमे राइटर, रेज्यूमे डिज़ाइनर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, अगेन इसके अंदर इतने ज़्यादा टेम्पलेट्स, इतने ज़्यादा चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं कि आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। अब लोगोस के ऊपर आएँ, आप लोगों ने सब ने फेसबुक पेजेस वगैरह बनाए होंगे तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए लोगो की ज़रूरत होगी, तो इसमें से लोगो भी जो है वो आप लोग मुख्तलिफ बना सकते हैं। तरीका ये है कि अगेन सेम इनमें भी चेंजेस कर सकते हैं, प्लस दो तीन मुख्तलिफ लोगोज़ को कंबाइन करके थोड़ा सा यूनिक बनाने की जो है वो ट्राई करें।
ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ फीचर्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फ्री फ़ोटोज़ हैं, बैकग्राउंड्स हैं, नेचर, एनिमल्स वगैरह, आइकन्स जो है वो पड़े हुए हैं, प्रिंट प्रोडक्ट्स, प्रिंट ऑन डिमांड एप्स, एक्सप्लोर, डाउनलोड, ये सारी चीज़ें। लर्निंग के अंदर इनके अपने कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, कैनवा 101 पर्सनल ब्रांडिंग कोर्स है, सोशल मीडिया मास्टरी कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक्स, ब्रांडिंग योर बिजनेस, प्रेजेंटेशन, और ये मुख्तलिफ सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। कैनवा यूनिवर्सिटी बेसिकली है, कैनवा फॉर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। प्राइसिंग में हमारे पास अभी फ्री प्लान अवेलेबल है, प्रो आगे फर्दर होगा, एंटरप्राइज, एजुकेशन, नॉन प्रॉफिट वगैरह। अच्छा जी, ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अगर किसी के पास .edu वाली ईमेल हो, ठीक है, जिसके लास्ट पे EDU वगैरह हो, तो आप लोग फॉर एजुकेशन एज अ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो प्रो वर्जन आपको भी मिल जाता है। दोबारा मैं होम के ऊपर आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया टेम्पलेट्स में भी आप लोग जा सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, या यहाँ पे सिंपली जो है वो सर्च कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने प्रीवियसली देखा जी इंस्टाग्राम ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लाइड्स वगैरह सर्च किया था, तो मैं दोबारा इंस्टाग्राम यहाँ पर लिखूँगा और उसको सर्च करता हूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का साइज़ भी आ रहा है, पोस्ट का साइज़ भी जो है वो मेरे पास जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस वगैरह जो है वो अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, इसी को आगे आज जो है वो लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइंस फ़िलहाल जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसको जो है वो एडिट करने की जो है वो कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखें स्टोरीज़ की एनिमेटेड वीडियोज़ वगैरह भी जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पोस्ट, चलें ये वैलेंटाइन डे के हवाले से है, लेकिन चलें ये इस पोस्ट को चूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें बेसिकली जो है वो लाइक टेम्पलेट भी आ रहा है और सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक और मज़े की चीज़ ये है कि आप लोगों को साइज़ जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर जस्ट एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट है तो वो 1080x1080 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फेसबुक कवर डिज़ाइन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली उसका जो है वो आ जाएगा, जो भी डायमेंशन होगी। यूट्यूब के लिए जो है वो कर रहे हैं तो यूट्यूब का भी ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जो पिक्चर होती है इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, हम लोगों ने इन एलिमेंट्स को समझना है। एलिमेंट्स क्या है, एक तो ये बॉक्स है, ठीक है, उसके बाद ये इसके अंदर पिक्चर है, एक ये बैक पे पिक्चर जो है वो लगी हुई है, ये बैकग्राउंड है जो ग्रीन कलर का आ रहा है, ये मुख्तलिफ टेक्स्ट हैं, ठीक है। इस डिज़ाइन के अंदर बेसिकली ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। हम लोग इसको अपनी मर्ज़ी से किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, तो ये पिक्चर जो लगी हुई हैं सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं हमारे पास जब हम लोग किसी भी इमेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अभी हम लोग हैं टेम्पलेट्स पर, टेम्पलेट्स जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, लाइक मैंने अभी इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया है, तो उसी डायमेंशन के अंदर जितने भी ये डिज़ाइन इनके पास बने हुए होंगे वो सारे आप लोगों के पास आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप लोग डिज़ाइन भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल ये एक अच्छा डिज़ाइन आ रहा है, ये कोटेशन के लिए डिज़ाइन आ रहा है, कोटेशन डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है वो ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। अब ये होटलिंग के लिए ये इस डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा काम जो है वो हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें। एलिमेंट्स के ऊपर अगर जो है वो हम लोग आएँ तो एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें जो है वो मिलेंगे। रिसेंटली यूज्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अच्छा इसमें क्या आ गया, लाइंस एंड शेप, लाइक ये मैंने बॉक्स की बात की है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और मैं ख़ुद से जो है वो शुरू से डिज़ाइन बना रहा हूँ तो ये मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह इसमें और एलिमेंट्स में क्या है जी, ग्राफिक्स, मुख्तलिफ किस्म की ग्राफिक्स जो है वो अवेलेबल हैं, फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं, सी आल पे क्लिक करके आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, वीडियोज़ अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, चार्ट्स अवेलेबल हैं, फ्रेम्स अवेलेबल हैं, ग्रिड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद। तो जब हम लोग बेसिक से जो है वो कोई भी इमेज बना रहे हो तो मोस्टली हम लोग एलिमेंट्स के ऊपर काम करेंगे। अपलोड्स में आप लोगों की अपनी इमेजेस वगैरह जो भी होंगी आप लोग सारी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे उनको जो है वो लगा सकते हो,
ठीक है, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल कुछ मैंने इमेजेस वगैरह जो है वो प्रीवियसली की हुई हैं, तो इनको हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली अपलोड मीडिया के ऊपर आना है तो आप लोगों की इमेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, इसी तरह वीडियो और इसी तरह ऑडियो भी आ जाएगी। टेक्स्ट की ऑप्शन के ऊपर आएँ तो ये मुख्तलिफ टेक्स्ट के फॉन्ट्स और स्टाइल्स जो है वो मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है, उनको आप लोग जो है वो देख सकते हैं। अगेन जब ये इसके बाद नेक्स्ट इमेज बनाते हैं तो उसमें इनको यूज़ करते हैं। ऑडियो में अगर वीडियो बना रहे हैं तो ऑडियो, इसके अलावा मोर ऑप्शन के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मोर में मैं अभी फ़ोटोज़ पे आता हूँ, यहाँ पे देखते हैं कौन सी इमेज मैं जो है वो लगा सकता हूँ, ठीक है। अभी लाइक ये इमेज है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ जी, नेचर पहले यहाँ पर करता हूँ ताकि ये बैक पे जो ये पत्ते पुते हैं इनको जो है मैं ख़त्म करूं। तो ये नेचर से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी फ्री इमेजेस जो है वो आ गई, ठीक है, फ्री यूज़ करनी है, दोबारा बता रहा हूं। चलें यहाँ पे अब ये नेचर से रिलेटेड है, मैं चाहता हूं ये जो बैक पे मेरे पास पिक्चर आ रही थी इसकी जगह मैं ये यूज़ करूँ। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, ये इसको पकड़ के यहाँ पर इमेज चेंज हो गई, कुछ भी नहीं किया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो मैंने किया है, ठीक है। दोबारा कंट्रोल जी से दोबारा वही पिक्चर आ गई, मैं क्या कर रहा हूँ इसको दोबारा ड्रैग करके पकड़ के माउस के साथ जो है वो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा जी, बैक पे इमेज चेंज होगी, अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ मदर। तो ये देखें, अब ये अगेन बेबीज़ के साथ मुख्तलिफ जो है वो पिक्चर्स वगैरह हमारे पास आ गई हैं, तो इनमें से मैं अगेन क्या करता हूँ जी, चलें मैंने ये इमेज यूज़ करनी है तो अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर ला दी मैंने, तो ये क्या हुआ जी, ये भी पिक्चर चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट को अगेन डबल क्लिक करेंगे आप, उसके ऊपर आप लोग जो है वो लिख, सो जस्ट एग्जांपल मदर्स डे, अगर मदर्स डे के लिए हम लोग बना रहे हैं और ऊपर और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एलिमेंट वगैरह हम लोग यूज़ करना चाहें तो हम लोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, टैक्स से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शन, अब ये मैंने मदर्स डे सेलेक्ट किया है तो मेरे पास ये ऊपर ऑप्शंस आ गई हैं, जिस एलिमेंट को मैं सेलेक्ट करूंगा उससे रिलेवेंट मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। पिक्चर को मैं क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर से रिलेटेड आ गई, तो पहले पिक्चर से रिलेटेड जो है वो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, लेकिन अगेन ये ऑप्शन मैं डिस्कस करूँगा जब हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो कोई भी डिज़ाइन जो है वो बना रहे होंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, ऑलरेडी मेरे पास जो बना बनाया डिज़ाइन था उसको मैंने चेंज किया है, और इस तरीके से आप लोग ऑलरेडी डिज़ाइंस जो बने होंगे उनको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म कर रहा हूँ, अब मैं आता हूँ कस्टम डिज़ाइन, मैंने स्टार्ट से न्यू डिज़ाइन बनाना है। अगेन इंस्टाग्राम के लिए आप लोग बनाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम सर्च करें, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील, स्टोरीज़, इन चीज़ों के लिए आप लोग जो है वो कर सकते हैं, या यहाँ पर ये क्रिएट अ डिज़ाइन। अब यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन और यहाँ पे कस्टम साइज़ के ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो फिर आपको साइज़ यहाँ पे देना पड़ेगा, विथ क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, तकरीबन जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब के लिए 1080 बाय 1080 जो है वो पोस्ट हर जगह पे यूज़ हो जाती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ही पोस्ट 1080 बाय 1080 की बना के, ठीक है, उसको जितने भी आप लोगों के सोशल मीडिया होंगे वहाँ पर सब पे जो है वो शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये अब कैनवस आ गया है, कल की क्लास में भी मैंने जो है बोला था ये बेसिकली एक जो पार्ट जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है ये कैनवस कहलाता है, और इसकी डायमेंशन एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो 1080 बाय 1080 है, ठीक है। यहाँ पे रूलर लगा हुआ है, रूलर माइट भी आप लोगों की तरफ ना आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा तो ये फाइल्स में जाएंगे यहाँ पर शो रूलर्स, अगर इसको मैं ख़त्म कर दूँ, ये देखें अब रूलर ख़त्म हो गया ऊपर से भी साइड से भी, ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा फाइल पे क्लिक करके ये रूलर्स पे आ गया, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, तो बैकग्राउंड कहाँ पे था, ये मोर पे आए हम लोग, और यहाँ पे ये बैकग्राउंड्स की ऑप्शन है, अगेन बैकग्राउंड्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी बैक पर लगा सकते हैं, पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं अगर कोई अच्छा मिलता है, अदरवाइज़ हम लोग कोई पिक्चर लगा लेंगे। अच्छा जी, ये रिसेंटली यूज्ड ऊपर आ गए, अभी मैं ऑल रिजल्ट्स के ऊपर आता हूँ, तो ये मुख्तलिफ मेरे पास बैकग्राउंड्स जो है वो पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें से अगेन स्क्रॉल करते चले जाएंगे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो अगेन जो भी आप लोगों को यहाँ से अच्छा मिलता है डिज़ाइन कोई भी,
ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह उसको आप लोग जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ये एक सिंपल सा जो है वो चूज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, बैकग्राउंड मैंने चूज़ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, इसके ऊपर कोई एलिमेंट्स वगैरह जो है वो लगाते हैं हम लोग। अब दो तरीके हैं एलिमेंट्स के। अगर मैं फ़ोटोज़ के ऊपर आऊँ, जो आप लोग ये बेसिकली मोर से यूज़ करते जाएंगे वो यहाँ पे आता चला जाएगा। अब मैंने पहले क्या किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन यूज़ की थी, तो अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप की। ये एडजस्ट ही नहीं हो रही, ये देखें यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो रही, हालांकि पहले जो है वो मेरे पास एडजस्ट हो रही थी। तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए अब ये गौर से समझना है, ठीक है। मैं चलें ये दूसरी इमेज जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। अगर यहाँ पे आए तो एज अ बैकग्राउंड सेलेक्ट हो रही है, लेकिन अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो अगर मैं छोटी सी इमेज इसके ऊपर लगाना चाहूँ तो नहीं आ रही। यहाँ पे बैकग्राउंड में पूरी की पूरी इमेज आ रही है, लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ तो ये इस तरह से आ रही है। अब इसके लिए क्या हल है, हम लोगों ने एलिमेंट्स के ऊपर आना है और एलिमेंट्स में चूज़ करना है फ्रेम्स, ठीक है। ये मुख्तलिफ फ्रेम्स आ रहे हैं, इन फ्रेम्स में से जो है वो कोई भी एक फ्रेम जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फ्रेम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ जी, ये मोबाइल का फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं रख देता हूँ जी यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट दोबारा मैं फ़ोटोज़ के ऊपर आता हूँ और इसी इमेज को मैं ट्राई करता हूँ यूज़ करने की। अगेन यहाँ पे लाऊंगा तो बैकग्राउंड पे आएगा, थोड़ा सा आगे आऊँगा तो यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, लेकिन मैंने अब क्या करना है, मैंने इसको ड्रैग करके ये मोबाइल के ऊपर लेके आना है यहाँ पे, ये देखें। तो ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वहाँ पर उस मोबाइल के अंदर जो है वो सेट हो गई है, ठीक है। अगेन दूसरी अगर मैंने इमेज लगानी है तो मैं अगेन ड्रैग करके इसको मोबाइल के ऊपर ले आता हूँ तो ये यहाँ पे एडजस्ट जो है वो हो गई मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। अगेन इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, दोबारा फ्रेम्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं कौन कौन से फ्रेम्स। लैपटॉप का फ्रेम पड़ा हुआ है, बॉक्स में फ्रेम है, ट्राइंगल में फ्रेम्स पड़े हुए हैं, स्क्वायर में फ्रेम्स हैं, सर्कल में फ्रेम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह आपके पास, अब ये मेरे पास बॉक्स में ऑप्शन आ गया। तो अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अगेन ये इमेज है तो ये देखें यहाँ पे एडजस्ट जो है वो हो गई, ठीक है जी। दोबारा फ्रेम्स के ऊपर आए, आप लोग अपना नेम भी लिख सकते हैं, ये आगे ए बी सी डी है। सो जस्ट एग्जाम्पल ये एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए सिर्फ जो है वो समझाने के लिए आपको, ठीक है। उसके बाद आई, अब यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की जी, रूलर की, कि ये साइज़ जो है वो सेम रहे। तो यहाँ से अब रूलर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो इनकी बेसिकली हेड है और टेल है दोनों एक ही साइज़ पे हों, तो ये रूलर को मैं यहाँ से पकड़ूंगा, ये जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आता हूँ तो ये डबल एरोज़ में चेंज हो जाता है। यहाँ पे डबल एरोज़ और इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे ये होगा कि मेरे पास ये हेड जो है वो सेम आते चले जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद एस, उसके बाद अगेन ए, और फिर एल। चलें जी, अब ये अगेन अभी एडजस्टमेंट वगैरह ख़ुद देख लेनी है। अब मैं हर एक में अलग अलग से पिक्चर लगाना चाहूँ तो ये मैंने एफ में पेस्ट कर दी, ठीक है। इसी तरह जी ये मैंने ए में पेस्ट कर दी, ये मैंने आई में पेस्ट कर दी, नेक्स्ट जो है वो ये आ गई एस में, इसी तरह से ए में, और फिर इसी तरह से एल में। अभी तक अगेन बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ वो एलिमेंट्स यूज़ करने हैं जो फ्री हैं, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इस सब को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगेन एलिमेंट्स के ऊपर आए, फ्रेम्स को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रेम्स में और भी ऑप्शन हैं, ग्रिड्स भी फ्रेम्स की तरह ही, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ तो यहाँ पर ग्रिड्स में क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन इन्होंने जो है वो बनाए हुए हैं यहाँ पे,
ठीक है, इन डिज़ाइंस को भी आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये हमारे पास ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ। ठीक है, ये डिज़ाइंस कोई भी चूज़ करना चाहें। जस्ट एग्जांपल अभी मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करूं तो ये मेरे पास पूरी इमेज में आ गया है। और दोबारा फ़ोटोज़ के ऊपर आऊं तो ये देखें जी, पहली ये आज आप लोगों ने ट्राई करनी है। अक्सर ये जो आप लोगों के घर में शादी ब्याह वगैरह होते हैं तो इस तरह की इमेजेस वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई होती हैं, तो आज बना के सबको जो है वो आप लोगों ने सरप्राइज़ देना है। ठीक है, पिछली सारी पिक्चर्स वगैरह इकट्ठी करें, सबको एक जगह पे एडजस्ट करके आज सबको सरप्राइज़ दें कि ये देखें जी मैं कितना बड़ा जो है वो डिज़ाइनर बन गया हूँ या बन गई हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी, चलें अगेन, बहुत कूल ऑप्शन है। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल अगेन बनाने के बाद, अच्छा, एक मैं चीज़ दिखा दूँ। ये अगर मेरे पास अब पिक्चर बन गई है, टेक्स्ट लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं नहीं लिख रहा। और इसको ये डाउनलोड पे आना है हम लोगों ने। ठीक है, डाउनलोड और सजेस्टेड पीएनजी और डाउनलोड। अगर यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन नहीं आ रही, ठीक है, तो उसका मतलब है आपने कोई ना कोई पेड या प्रो वर्जन का जो है वो एलिमेंट, पिक्चर या कोई भी चीज़ यूज़ किया। तो मेरे पास अभी सिंपल डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, मैंने डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगी और बाद में मेरे पास जो है वो एज़ अ पिक्चर जो है वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, मैं अभी इसको फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ, दोबारा मैं उसी बैकग्राउंड के ऊपर आता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल इसको इसी तरह रखना चाहता हूँ और साथ में कोई टेक्स्ट जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, लाइक कोटेशन या इस तरह से। तो ये सिंपल टेक्स्ट हेडलाइन ऐड करने के लिए, सब हेडिंग वगैरह ऐड करने के लिए। अगर कोई डिज़ाइंस वगैरह चूज़ करना चाहते हैं तो ये आगे मुख्तलिफ डिज़ाइंस आ रहे हैं हमारे पास। तो ये डिज़ाइंस हैं, ये डिज़ाइंस आ रहे हैं, सेल की ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं हमारे पास, हैप्पी बर्थडे की ऑप्शन आ रही हैं। ठीक है, टर्निंग 22, ये किसी को हैप्पी बर्थडे विश करनी हो तो इसको, या अपनी जो है वो बर्थडे जो भी होगी। ठीक है, टर्निंग इसको इधर, और इसको यहाँ से अगेन आप लोग जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बर्थडे किसी की होगी, ठीक है, माशाल्लाह आप भी जितने जितने जो भी होंगे उसको यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है, इसी तरह और मैं देखता हूँ जी, ये सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन वगैरह की जो चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, चलें ये दूसरा टेक्स्ट टाइप जो है वो मैं यूज़ करता हूँ, वाइल्ड सेल वाला, इसको बड़ा थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आई टेक्स्ट, अगेन जो भी आप लोग लगाना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू, जो भी टेक्स्ट जो है वो यूज़ करना चाहें। ठीक है जी, और उसके बाद अगेन हम लोगों ने क्या करना है, डाउनलोड की ऑप्शन, और ये डाउनलोड अभी भी मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ से कोई ना पेड चीज़ जो है वो यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा पिक्चर्स पे आता हूँ मैं, यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, वाह सारी चीज़ें जो है वो फ्री आ रही हैं, कोई पेड प्रो वगैरह नहीं आ रही। किस्मत किस्मत की बात है, वो एक लतीफ़ा है ना कि एक वो आदमी जो है वो जाता है अमरूद वाले के पास, तो उसको कहता है कि यार ये अमरूद वापस कर, मैंने लेने। वो कहता क्या हुआ है, कहता इसमें से जो है वो कीड़ा निकला है। वो कहता किस्मत किस्मत की बात है, कल एक बंदे का मोटरसाइकिल निकला था तो अगेन अभी जो है वो मैं अभी पेड जो है वो सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है वो पेड़ यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे मजबूरन वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ से ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। चलें ये हैप्पी न्यू ईयर वाला, इसको मैं यूज़ करता हूँ। इसको देखते हैं डाउनलोड करके क्या आता है, ये पेड़ था। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं डाउनलोड बटन के ऊपर आया तो ये देखें, डाउनलोड विद कैनवा प्रो, ठीक है, या पे एंड डाउनलोड, या तो कैनवा प्रो एक्सेस लेनी पड़ेगी या इसकी जो प्राइस है मुझे वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आ रही हैं इसको डाउनलोड करने के लिए। तो इसलिए अगर आपके पास सिंपल डाउनलोड वाली ऑप्शन जो है वो यहाँ पे डाउनलोड बटन नहीं आ रहा, तो उसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ जो है वो यूज़ की है जो कि प्रो वर्जन के अंदर थी या पेड थी। इस हवाले से इसलिए आप लोगों ने उस टाइम पे परेशान जो है वो नहीं होना। ठीक है,
अच्छा जी, ये अब इंस्टाग्राम के हवाले से भी हमारे पास होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग जो है वो नेक्स्ट, अगर फाइवर गिग्स वगैरह आप लोगों ने बनानी है, ठीक है, जब हम लोगों ने अपनी सर्विसेज जो है वो सेल करनी है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ डिज़ाइन पे आएंगे। फाइवर के लिए यूज़ होता है 550 और 370, ठीक है। ये आप लोग जो है वो सेव करके भी जो है वो रख सकते हैं कि फाइवर के लिए विथ क्या है और बेसिकली हाइट क्या है। 550 मल्टीप्लाई 370, ये जब हम लोग गिग्स बनाएंगे उस टाइम पे भी मैं आप लोगों को रिमाइंड एक दफ़ा करवा दूंगा। ये मैंने साइज़ रखा यहाँ पे और क्रिएटर डिज़ाइन पे आ गया। अच्छा जी, अगेन मेरे पास अब कैनवास आ चुका है, ठीक है, और इसके ऊपर अब हम लोगों ने जो है वो काम करना है। अगेन इसको जो है वो जूम इन जूम आउट करके अपने मुताबिक एडजस्ट कर लें। अगेन इस साइज़ के अंदर ये जितनी ऑप्शंस वगैरह हैं ये हमारे पास आ गई। ये देखें, सर्टिफिकेट भी आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ये बना बनाया सर्टिफिकेट है, चीज़ें चेंज करें आपके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये फाइवर के लिए एक चीज़ जो है वो बेसिकली बनी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग जो है वो बनाएं। अब ये मेरे पास कैनवस है, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, अगेन बैकग्राउंड देखता हूँ कोई अच्छा सा इसके लिए, अगर मुझे बैकग्राउंड मिल जाता है, अदरवाइज़ मैं कोई पिक्चर यूज़ करूँगा। सिंपल बैकग्राउंड्स हैं सारे, ठीक है, मैं पिक्चर्स में चेक करता हूँ अगर मुझे कोई फेसबुक स्पेसिफिक मिल जाती है। फेसबुक या शॉप स्पेसिफिक जो है वो कोई आप लोग देख सकते हैं, पहले फेसबुक वाली देखते हैं, अगर कोई अच्छी मिलती है हमें, ये अच्छी इमेज है, यूज़ की जा सकती है। उसके अलावा अगेन मुख्तलिफ प्रो वर्जन के अंदर ही जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, ये एक अच्छी इमेज है जिसको हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फेसबुक की बजाय मैं लिखता हूँ बिजनेस मैन, या लैपटॉप वगैरह भी आप लोग लिख के सर्च कर सकते हैं, या बिजनेस, और पहले इनको मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं लैपटॉप पे जाऊँगा। ये एक अच्छी पिक्चर है, ठीक है, इसके अलावा ये ब्लैक में, चलें ये ब्लैक में मुझे अच्छी लगी है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, अब ये कैनवस पे सेट नहीं हुई, ठीक है, लाइक ये वाइट पार्ट अलग से है और ये इसके ऊपर जो है वो पिक्चर आ रही है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है, चारों कोनों पे ये सर्कल आ रहे हैं या ये जो है वो लाइन छोटी छोटी आ रही हैं, इनके अकॉर्डिंग इसको मैं पकड़ के इसके ऊपर एडजस्ट कर रहा हूँ। चलें जी, पहला काम मेरा हो गया, बैकग्राउंड जो है वो मेरा सेलेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ टेक्स्ट जो है वो लिखना है, इमेजेस, वीडियोस, जो भी लगाना चाहें। अब मैं एलिमेंट्स के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर आए और यहाँ पे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, शेप्स भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैं अभी फ़िलहाल जो है वो अगेन फ्रेम्स के ऊपर आ रहा हूँ, और फ्रेम्स पे क्योंकि माइट भी हमें पिक्चर्स वगैरह भी जो है वो लगानी पड़े, तो यहाँ से कोई एक फ्रेम जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा जी, फ्रेम्स में ये मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह हमारे पास आ रही हैं, ये मैं अभी इस पिक्चर को लगा रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा लेकिन ऐसे, ठीक है। ख़ुद से मैंने आधा हिस्सा इसका निकाल दिया, ये डिज़ाइनिंग बेसिकली डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट चीज़ें हैं, जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को जो है वो आगे फर्दर आ जाएंगे। इसमें मैं क्या करता हूँ जी, अपनी पिक्चर जो है वो ऐड कर देता हूँ। फ़ोटोज़ पे आए, सॉरी अपलोड्स पे आए, अपलोड मीडिया, और आप लोगों ने अपनी इमेज कोई भी जो है वो ऐड कर देनी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई। अगर इस पिक्चर को इसमें ही एडजस्ट करना हो तो डबल क्लिक करेंगे और ये इस तरह से बड़ा छोटा जिस तरह भी आप लोग करना चाहें ये कर सकते हैं। तो अगेन सिर्फ फेस आ गया, लेकिन मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, चलें इसको जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, और इसको थोड़ा सा अगर बड़ा भी करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगेन दोबारा से मैं बता दूँ, पिक्चर आ गई, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, फेसबुक का कोई लोगो, ताकि फेसबुक देखते सारे लोगों को समझ आ जाए कि ये फेसबुक, तो फेसबुक का मैंने ये पीएनजी लोगो
डाउनलोड किया हुआ है तो फेसबुक का PNG यहाँ पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब ये नहीं पूछने लग जाना कहाँ से मिलेगा, गूगल से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, ब्लैक में ये मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ये छुप रहा है इसके अंदर। अगर यहाँ पे भी मैं एडजस्ट करूँ तो क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। फिर उसके लिए हम लोग एक और चीज़ करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स में आएंगे, फ्रेम्स की जगह मैं आता हूँ बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। लाइंस एंड शेप्स जो थी, लाइंस एंड शेप में आया, तो इसके ऊपर नीचे लाइन लगा दूँ ताकि ये क्लियरली नज़र आ जाए। वो कैसे लगाऊँगा, सो जस्ट एग्जाम्पल इसको यहाँ पर एडजस्ट किया, ये एक लाइन आई, इसको यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया और इसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर दिया। और अगेन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, ठीक है, उस दूसरी पिक्चर को इसके नीचे ला कर रख दिया। और अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, फुटर का इस्तेमाल करते हुए इनको एग्जैक्टली एक ही सेम लाइन के अंदर रख सकते हैं। तो ये एटलीस्ट क्लियर हो गया, पहला तरीका तो ये है, अदरवाइज़ मैं लाइन्स को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी सर्कल या ये जो बॉक्सेस वगैरह हैं इनको आप लोग जो है वो ले आएँ। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल इसको जो है वो क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास आ गया है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेंट्रलाइज थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना, फेसबुक का लोगो तो इसके पीछे छुप गया है, इसकी मैं ओपेसिटी कम करूँगा। ये इस बॉक्स की मेरे पास प्रॉपर्टी आ रही है, कलर मैं कौन कौन सा रखना चाहता हूँ, पोजीशन इसकी कौन सी है। पोजीशन जस्ट एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ और बैकवर्ड कर देता हूँ, तो बैकवर्ड करने से क्या हुआ, ये फेसबुक का लोगो ऊपर आ गया इसके। अगर इसको मैं अपवर्ड करूँगा, फॉरवर्ड करूँगा, फेसबुक का लोगो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन जो है वो मैं बैकवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अब पीछे जो लैपटॉप मोबाइल था वो छुप गया, उसके लिए ऑप्शन है ये, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखें ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट किया तो जो पीछे चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी नज़र जो है वो आने लग गई हैं, ठीक है। तो अगर कोई कहे ना पीछे देखो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से पीछे देखो वाली आ जाएंगी। अच्छा जी, फेसबुक को मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, और उसके बाद जो आगे फर्दर सर्विसेज होंगी वो भी मैं यहाँ पे क्लियरली जो है वो लिख दूँगा। तो पहले तो जो है वो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। ट्रांसपेरेंसीज की और कम या ज़्यादा करनी हो तो ये यहाँ से जितना कम इसको करते चले जाएंगे उतना ही जो है वो आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अगेन रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक अभी फ़िलहाल जो है वो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, अगर कोई और अगर चलें जी, इस पर भी दिल नहीं मान रहा, हम लोग यहाँ पे दोबारा आएंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ जी फेसबुक लोगो सर्च करते हैं, फेसबुक लोगो, तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ फेसबुक के जो लोगोस इनके अपने ही पड़े हुए हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये देखें, ये ब्लैक में जो है वो यहाँ पर मेरे पास एडजस्ट हो गया है, ठीक है जी, फेसबुक। और उसके बाद आगे फर्दर अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखूंगा, हेडलाइंस की ऑप्शन है, अगेन इनमें से कोई यूज़ करना चाहें तो ये भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल हेडलाइन के ऊपर जाऊंगा। फेसबुक का लोगो ऑलरेडी है, फेसबुक मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर या कुछ भी जो है वो रख लें। और इसका मैं अब ये टेक्स्ट की मेरे पास ऑप्शन है, इसका पहले तो मैं कलर कर रहा हूँ वाइट, ठीक है, ताकि ब्लैक के ऊपर क्लियरली जो है वो नज़र आए मुझे। तो ये देखें फेसबुक मैनेजर, अगेन इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसका फॉन्ट सारा आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये फॉन्ट्स मुख्तलिफ जो है वो पड़े हुए हैं, अगेन क्राउन वाले नहीं यूज़ करने, पेड वाले नहीं यूज़ करने, ठीक है। साइज़ इसका कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कलर इसका चेंज करना है यहाँ पे, ये ऑलरेडी बोल्ड है जो फॉन्ट सेलेक्ट है, ठीक है। अगर बोल्ड ना हो तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। टैलिक, सेंट्रलाइज अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये आप लोग कर सकते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग अगर करना चाहें, जस्ट एग्जांपल इसमें मैं अपनी सर्विसेज और ऐड करना चाहूँ, ऐड अ सब हेडिंग करता हूँ, मैं क्या करता हूँ जी रैंडमली लिख रहा हूँ पेज क्रिएशन, पेज ऑप्टिमाइजेशन, पेज मैनेजमेंट, शॉप क्रिएशन, मार्केट प्लेस। चलें, ये मैंने अब ये सारी की सारी अब सेंट्रलाइज आ रही हैं,
मैंने इनको क्या करना, यहाँ पे अलाइनमेंट पे आया और इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दिया और इन सब के शुरू में बुलेट्स डाल दिए, ठीक है। और इसको मैं पकड़ के यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो फेसबुक पेज मैनेजर वाली ऑप्शन थी मेरे पास, ये आ गई, ठीक है। अगेन डिज़ाइन का एक रूल ये भी है कि अगर कोई फेस वगैरह हो तो उसके ऊपर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको कर छोड़ देता हूँ थोड़ा सा छोटा, तो ये मेरे पास एक इमेज आ गई है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन फलाना टमकाना, वो जो बैज आप लोग अगर जो है वो सर्च करना चाहें, अगेन एलिमेंट्स में आए, यहाँ पे लिखें जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बैज वगैरह अगर कोई मिल जाता है, ठीक है। ये आ गया जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और स्टार्स, ये मुख्तलिफ आ गई चीज़ें। अगेन ये ज़्यादातर मोस्टली पेड आ रही हैं, अगेन पेड हैं कोई जी, इनमें फ्री जो है वो नहीं आ रही ऑप्शन, ठीक है। अभी तक मैंने जितनी भी ऑप्शन यूज़ की हैं फ्री हैं। अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ, ये देखें अभी डाउनलोड ऑप्शन आ गई, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से ये कोई एक चीज़ उठाता हूँ, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला बैच, इसको कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैंने क्या किया है जी, प्रो वर्जन वाला यूज़ किया। अब दोबारा मैं डाउनलोड पे आता हूँ, ये देखें डाउनलोड विद कैनवा प्रो और पे विद डाउनलोड। तो एक एलिमेंट यूज़ करने से सारी पिक्चर वो कहता है पे करें अब इस एलिमेंट के लिए जो आपने सेलेक्ट किया है। अच्छा जी, इसको छोड़ दें, हम लोग देखते हैं स्टार, स्टार चेक करते हैं, ये मुख्तलिफ स्टार्स आ गए और अगेन ब्लैक एंड वाइट कम्बिनेशन चल रहा है, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे। कलर इसका यहाँ से मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे इतना यहाँ पे एडजस्ट किया और अगेन इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दूसरा आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी दोबारा से आ गया, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फोर स्टार हो गए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये हो गई 5 स्टार्स, ठीक है। और इसको अलाइनमेंट मैं चेक करना चाहूँ जूम इन करके, यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि ये सारे साथ साथ मिले हुए हैं। नॉर्मली ये येलो कलर के अंदर जो है वो होते हैं, ठीक है, इनको येलो कलर में अच्छा कर सकते हैं। दूसरा ये, अब ये देखें, अगर मैं इसको पहले को हिला रहा हूँ तो सिर्फ पहला हिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये इनकी एडजस्टमेंट सेम रहे जहाँ पे भी मैं इसको लेके जाऊँ, तो आप लोगों ने कंट्रोल प्रेस सॉरी शिफ्ट प्रेस करते हुए ये सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। मैंने शिफ्ट को प्रेस करे रखा और सब को सेलेक्ट जो है वो कर लिया, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गई ग्रुप की, इनको मैंने ग्रुप कर दिया। अब मैं ये इनको पाँचों को कहीं पर भी ले कर जो है वो जा सकता हूँ, ठीक है। पांचों के ऊपर जो भी मैं चीज़ अप्लाई करूँगा वो पांचों के ऊपर जो है वो अप्लाई होगी। ये सॉरी सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा मुझे, चले अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िलहाल सबको जो है वो येलो कर रहा हूँ, अदरवाइज सबको एक ही दफ़ा सेलेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपने, ये सिंपली इस तरह से, तो आप लोग अब इसमें कुछ भी जो है वो चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन वगैरह भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगेन मैं टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जो है वो आता हूँ और यहाँ से आपको ये एक और अच्छी सी ऑप्शन देखते हैं। सो ये इसी कलर के अंदर आ रही है और इसको मैं कर देता हूँ छोटा, ठीक है। ह्यूज सेल जो था ये मेरे पास आ रहे हैं और ये दो एलिमेंट है, ऊपर वाला एलिमेंट अलग है, नीचे वाला एलिमेंट अलग है, तो ये मैं करता हूँ जस्ट एग्जाम्पल जी, हंड्रेड प्लस और नीचे कर देता हूँ रिव्यूज, ठीक है। ये बड़ा हो गया, अगेन कंट्रोल ए दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये साइज आ रहा है 20 साइज, एक का कर दूंगा मैं सॉरी 800 हो गया 20, और दूसरे का भी जो 100 प्लस वाला था 20, तो मेरे पास ये दोनों ऑप्शन जो है वो आ गई हैं, ठीक है। अब ये देखें 100 प्लस कहाँ पे चला गया, ये कहाँ पे चला गया, तो इसकी ऑप्शन जो है वो क्या होती है, इन दोनों को आप लोग सेलेक्ट करके अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। ये इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया, ठीक है,
अब ये दो ग्रुप्स हैं बेसिकली, या तो आप लोग पहले को वैसे रिमूव कर दें, दूसरे वाला जो है वो रहने दें, ठीक है, या दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि आप लोग जो है वो दोनों को अनग्रुप कर दें। पहली ऑप्शन में क्या करेंगे हम लोग, ये जो है इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, सिर्फ ये रहने देंगे 100+ रिव्यूज़, ठीक है, और इसको मैं ला कर यहाँ पर रख देता हूँ, अगर रिव्यूज़ हों, ज़रूरी नहीं है, ये आप लोगों ने जो है वो करना है, ठीक है। अभी मेरे पास ये ऑप्शन आ गई और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन इसको डाउनलोड हम लोग करेंगे। अब अगेन आ रहा है डाउनलोड की ऑप्शन, ठीक है, वो जो प्रो वाला था वो ख़त्म हो गया। तो ये हमारे पास एक जो है वो गिग इमेज भी जो है वो बन गई है। अगेन ये मेरे पास जो है वो चीज़ें आ रही हैं दोबारा से कि ये क्या क्या, तो मैं यहाँ पे इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, ये जो मैंने सेकंड ऑप्शन बताई थी, एक दफ़ा मैं दोबारा जा रहा हूँ, ये 100+ और रिव्यूज़, तो इसकी ऑप्शन, इस एलिमेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे अनग्रुप, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया और अगेन आप लोगों ने क्या कर देना है, इनको अनग्रुप करके अब ये अलग हो गया, इसको बेशक रिमूव करना है या ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए जहाँ पे लेके आना चाहें वहाँ पे इसको ले आए। तो ये यहाँ पे आ गया, 100+ वाला जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एक गिग इमेज भी जो है वो तैयार हो गई सिंपल सी। उसके बाद एक और लास्ट पे डिज़ाइन कर लेते हैं, तो हमारा सोशल मीडिया एटलीस्ट ये वाली चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, इमेज डिज़ाइन के अंदर जितनी भी जो है वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूं ताकि आपको बाद में दिखा दूं। अच्छा जी, ये होगी, उसके बाद इसको भी मैं अभी फ़िलहाल बंद कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, होम पे आते हैं दोबारा से हम लोग, ठीक है। रीसेंट डिज़ाइन अगर हम लोग चेक करें तो ये मैनेजर जो भी है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये जो जो मैंने डिज़ाइंस बनाए थे, ये वाइल्ड टर्निंग 25 मदर्स डे वाला, ये सारे यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं टेम्पलेट्स में और देखते हैं क्या बना सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज़, इंस्टाग्राम पोस्ट, कवर्स, यूट्यूब थंबनेल, लिंक्डइन बैनर्स, ठीक है, और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह हमारे पास जो है वो आ जाएंगी। या आप सिंपली टेम्पलेट्स बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे ये टेम्पलेट रिकमेंडेड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, और ये मार्केटिंग पे अगर हम लोग आएँ तो ये लोगो और ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बने बनाए डिज़ाइंस जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। ये सर्विसेज के लिए अगर किसी क्लाइंट के लिए मैनेज कर रहे हैं तो ये देखें, ये मुख्तलिफ अगेन बने बनाए डिज़ाइंस हैं, आपने क्या करना है इनको जो है वो चेंज करते चले जाना है, इमेजेस उसकी लगा दें, टैक्स वगैरह लगा दें। तो इसके ऊपर सिर्फ जो है वो हज़ारों सैकड़ों अकाउंट्स वगैरह जो है वो आप लोगों के पास जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। अब एक लोगो छोटा सा बनाने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं, क्योंकि ये अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पोस्ट डिज़ाइंस वगैरह में कोई इश्यू होगा। आगे क्रिएटिविटी आपकी है, थिंकिंग आपकी है कि किस तरह से आप लोग, अब ये एलिमेंट अगर बनाना हो आप लोगों ने तो बहुत आसान है, ठीक है, उसके अंदर पिक्चर वगैरह आप लोग किस तरह से एडजस्ट करेंगे। आप लोग टेस्टिंग के लिए ये जो प्रो हैं या पेड हैं इनको देख भी सकते हैं कि ये बेसिकली बने किस तरह से हुए हैं, ठीक है। यूज़ दिस टेम्पलेट, ठीक है, ट्राई इट फॉर 30 डेज कर लें, और टेम्पलेट आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि बेसिकली वो बने किस तरह से हुए हैं। ये टेम्पलेट बेसिकली सेल भी होते हैं, ठीक है। अब ये टेम्पलेट है आपके पास आ रहा है, ठीक है, इसको अगर यूज़ करना हो, ये मुख्तलिफ हैं, टेम्पलेट देखें बने कैसे हुए हैं, फिर ख़ुद से बनाने की कोशिश करें। तो मैं क्या करता हूँ जी, हाँ, लोगो बनाने जा रहे थे हम लोग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोगो, लोगो टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है। मैं अभी कर रहा हूँ ब्लैंक लोगो से, बाकी तो चीज़ें मैंने बता दी हैं, बने बनाए लोगो हैं, आप लोग खुद से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास अगेन कैनवस आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया जी, ये टेम्पलेट्स आ गए मेरे पास। अगर इनमें से कोई भी, अगर कोई गेमिंग वगैरह करता है तो यहाँ से ये लोगोज़ वगैरह जो है वो मुख्तलिफ बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी ये देखें रिसेंटली कौन कौन सी ट्राई की हुई थी, ये दिखा देता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं,
पहले वाला चेक करते हैं। अब ये एक बेसिकली जो है वो हमारे पास आ रहा है, क्लाइंट कहता है जी लोगो बना के दें, एक अच्छा लोगो है, उसे पूछें लिखवाना क्या क्या चाहता है। अब ये जस्ट एग्जांपल डॉग है, इसकी जगह अगर आपने कैट करनी हो, ठीक है, या कटलरी करना हो, किचन करना हो, नाइफ़ करना हो, नाइफ़, तो ये देखें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो मेरे पास आ गई हैं जो कि हम लोग जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन लोगों के अंदर ये इमेजेस यूज़ नहीं होती, ये इस तरह के एलिमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव किया और यहाँ से ये इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा के ऐसे भी कर देता हूँ और इसको और छोटा कर लें और इसके अंदर एडजस्ट कर लें। अच्छा जी, इसी तरह स्पून कर लें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ स्पून की ऑप्शन आ जाएंगी, ये फ्री में पड़ा हुआ है, स्पून एंड नाइफ, ये क्या नाम है, फोर्क, स्पून एंड फोर्क दोनों थे, उस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से आ गए। अब ये देखें ये कलर उसके साथ मैच नहीं हो रहा, जो मेरे पास टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको भी ब्लैक, तो ये देखें, ठीक है। और ये जो था कलर, इसको इस तरह से कर दिया तो ये मेरे पास ये आ गया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, क्या करें जी, ABC होटल, ठीक है, ये कर दिया मैंने, तो ये ABC होटल आ गया, ठीक है। इसको कर देते हैं जी लाहौर, या जो भी लिखना हो, क्या लिखेंगे जी, वाल्टन लाहौर, ये एडजस्ट कर दिया जी हमने, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो, नीचे करना हो, सिंस कब से है जी, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपका एक अच्छा सा लोगो जो है वो तैयार। अगेन टेम्पलेट्स के ऊपर जाएं, दूसरा टेम्पलेट चेक करते हैं, ये टेम्पलेट है मेरे पास, इसको चेक कर लेते हैं। अगेन ABC होटल वाल्टन लाहौर, जो मैंने अभी टेक्स लिखा है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है, और इसको चेंज कर सकते हैं, ये लोगो आ गया वाल्टन लाहौर ABC होटल। इसको एडजस्ट करना हो तो अगेन आपने क्या करना है, ये देखें ABC होटल और वाल्टन लाहौर और आगे जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लोगो बना के अगेन इनको आप लोग कर लें डाउनलोड, ठीक है, और यूज़ कर सकते हैं। तो किसी क्लाइंट के लिए अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो उसको ये भी ऑप्शन दे सकते हैं कि मैं आपका लोगो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोगों की जो है वो अगर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो आप लोग सारे काम कर लेंगे। तो अभी सोशल मीडिया पोस्टिंग से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें थी वो अब मैं बेसिकली एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। और वीडियोस को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वीडियोस बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं, ये लोगोज़ आ गए इंस्पायर्ड बाय लास्ट डिज़ाइन जो हमने बनाए हैं उनसे रेलिवेंट आ गए, क्रिएटर्स यू लव ऑलरेडी जिनके डिज़ाइन वगैरह मैंने यूज़ किए हुए हैं, ट्रेंडिंग बाय यू, ये अच्छा। अब उसके ऊपर अगर पिंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं तो उसके ऊपर ना इन्फोग्राफिक्स होते हैं, ये इन्फोग्राफिक्स है, तो मैं प्रॉपरली यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इन्फोग्राफिक्स। तो ये मुख्तलिफ इन्फोग्राफिक्स वगैरह जो है वो यहाँ पे, तो ये पिंटरेस्ट मार्केटिंग अगर आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह जो है वो यूज़ होते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पिंटरेस्ट का कुछ ना कुछ आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वहाँ पे ये इस तरह से डिज़ाइंस होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिंपल बने बनाए डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। ग्रामर की जस्ट एग्जांपल ये गलतियाँ, टेम्पलेट यूज़ करना हो तो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स, इसी तरह रेज्यूमे, आज अपनी अपनी रेज्यूमे ट्राई करें सारे, यहाँ पे जो है वो बनाएँ, रेज्यूमे पर आए तो ये मुख्तलिफ रेज्यूमे डिज़ाइंस जो है वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। अगेन फ्री वाला कोई भी इनमें से यूज़ करें, ठीक है। तो मैं कोई एक आधा करके दिखा भी देता हूँ जिसमें पिक्चर्स वगैरह यूज़ हो रही हो। चलें अभी फ़िलहाल किसी एक पर क्लिक करते हैं और उसमें देख लेते हैं जो भी हमारे पास जो है वो
यूज़ हो रहा, तो कस्टमाइज्ड डिज़ाइन किया मैंने इसको। अब अगेन टेम्पलेट्स में आप लोग देख सकते हैं और रेलिवेंट टेम्पलेट्स वगैरह आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, जो रिसेंटली मैंने क्रिएट किए हैं वो भी। तो मैं इमेज वाला ढूंढ रहा था तो ये एक इमेज वाला मुझे मिल गया है। तो अगेन इसको थोड़ा सा जूम इन कर लें जहाँ पे आपको नज़र आए कोई भी पर्सन आ रहा है, अपनी इमेज अपलोड करें। चलें उसके बाद चेंजेस करें, तो जस्ट एग्जांपल फैसल अब्बास, हेडलाइन प्रोफाइल में ये जितनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट करें, डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो आप लोगों की रेज्यूमे भी जो है वो तैयार हो जाएगी, किसी के पास आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरी थिंग जो है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, रेज्यूमे भी बन जाएगा। और मुख्तलिफ आज आप लोगों ने मैक्सिमम डिज़ाइंस जो है वो ट्राई करने हैं, जितने डिज़ाइंस बना सकते हुए वो आप लोगों ने जो है वो बनाने हैं, ठीक है। जितने मैक्सिमम डिज़ाइंस आप लोग बना सकते हुए वो आप लोगों ने जो है वो बनाने हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मुझे जो है वो सबमिट करवाने हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो उनको देख लूँगा और